फोटोशॉप पे हम लोग ने प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग देखी हुई है। इस पे एक मेथड और भी प्रोस्पेक्टिव क्रिएट करने का है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक, है ना। तो फोटोशॉप पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे क्रिएट करनी है, उसकी एक सिचुएशन दिखा रहे हैं। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक ग्रिड यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, उसमें हमें देखो ग्रिड का बिहेवियर कुछ इस एंगल में नजर आता हुआ दिख रहा है ना। नॉर्मली हम लोग रियल टाइम में जो देखते हैं वो प्रॉपर क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, जिसमें 1.2.3 प्रोस्पेक्टिव का हमें रेशियो मिलता है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक क्रिएट भी कर चुके हैं, है ना। तो अगर हम प्रोस्पेक्टिव में ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं और आइसोमेट्रिक में क्रिएट कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है। यहाँ पे प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव में ड्राइंग बना के एक पहले नॉर्मली दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पे ब्रश ले लिया अपना, है ना। न्यू लेयर ले लेते हैं, इस पे कलर हमने मान लो ब्लैक किया और सब फुल कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका ब्रश लेवल भी कैसा रख रहे हैं, बिल्कुल हार्ड रख रहे हैं। तो मान लो हमारा वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पे, हमने यहाँ से लिया और यहाँ पे टच किया। तो नॉर्मली जो रियल टाइम का प्रोस्पेक्टिव होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो नीचे का पॉइंट है वो भी इसी पॉइंट से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक। और फिर हम लोग यहाँ से शायद अपना एक प्रोस्पेक्टिव क्या कर रहा होंगे, प्रॉपर वे में क्रिएट कर रहा होंगे। फिर शायद ऐसे इधर भी कुछ प्रोस्पेक्टिव होगा और यहाँ से फिर उसी पॉइंट से हम लोग कनेक्टेड होंगे। इस टाइप से हम लोग ऑलरेडी एक ड्राइंग मेथड क्रिएट कर चुके हैं, है ना, जिसमें हम एक प्रॉपर वे में प्रोस्पेक्टिव में अपनी ड्राइंग को मैनेज कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट रियल मेथड को पूरी तरीके से क्या करता है, सपोर्ट करता है। आइसोमेट्रिक क्या है, रियल टाइम में नहीं होता है, है ना। रियल वर्ल्ड में ऐसा हमें आइसोमेट्रिक व्यू नहीं मिलेगा, ठीक। क्या तरीका रहता है, क्या डिफरेंस रहता है, देखते हैं। आइसोमेट्रिक में लाइंस हमेशा पैरेलल रहती हैं, ऐसे रहेंगे, जिसमें ये इनफाइनाइट रेंज पे कभी टच नहीं होंगी। भाई जब पैरेलल है तो वो लाइंस कभी भी आगे जाके टच नहीं होनी है, यानी ये पॉइंट्स कभी भी कनेक्ट नहीं होने, है ना। और हमने कहा कि रियल टाइम में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ठीक। और इसमें फिर हम लोग कुछ इस टाइप से ड्रॉइंग्स को अपने क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। ऐसे ही फिर इधर लिया पैरेलल, हमने कहा कि यहाँ पे लाइंस हमारी क्रिएट हो रही होंगी, पैरेलल्स क्रिएट हो रही होंगी, और हम यहाँ पे जो शेप बना रहे हैं ये आइसोमेट्रिक शेप बना रहे हैं। बहुत से हम लोग प्ले स्टोर पे गेम्स भी देखते हैं, क्रॉस रोड करके एक बहुत फेमस गेम है, उसमें जो जितना भी डिजाइनिंग की गई वो ब्लॉक से की गई है, है ना, जिसमें बिल्कुल सॉलिड कलर यूज किए गए, बिल्कुल फ्लैट शेडो दी गई है, बहुत ज्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं दिखाई गई है। कैसे करना है, यहाँ पे हमने ग्रिड ले रखी, इसी ग्रिड का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ड्रॉइंग बनाने के लिए हम अपना ब्लॉक क्रिएट करेंगे। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे फिलहाल क्या ले रहे हैं, पॉलीगन लसो टूल ले रहे हैं, ब्रश नहीं ले रहे हैं। नीचे से ले लेते हैं एक और, ये लिया 1, 2, 3, 4 ब्लॉक हमने इधर लिए, 1, 2, 3, 4 ब्लॉक हमने इधर लिए, 1, 2, 3, 4 ब्लॉक का हमने रेशियो इधर लिया, कनेक्ट कर दिया। अरे इसमें कोई भी अपना एक कलर दे देते हैं, लाइट कलर ले रहे हैं ग्रे का, न्यू लेयर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हमें एंगल मिलता हुआ दिख रहा है, इसी के जस्ट हमने कॉपी निकाली, कंट्रोल टी प्रेस किया, राइट क्लिक किया, इसे हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया और लगभग इसी से मैच कराते हुए हमने इधर का ये पॉइंट ले लिया। इमेज में चले जाएं, एडजस्टमेंट में आ जाएं और यू एन सेचुरेशन में आके इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस लेवल को डार्क कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा कलर शेड हमारा डिफरेंट आता हुआ दिखे। जस्ट इसी की हमने कॉपी निकाली और रोटेशन के साथ प्रॉपर रोटेशन दे के इसको भी टॉप पीस से क्या करें, सेट कर दें। एक प्रॉपर यहाँ पे हमारी प्रोस्पेक्टिव में, यानी सॉरी आइसोमेट्रिक में एक हमारा क्यूब बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। इंटर पुट कर रहे हैं, कलर शेड इसका भी क्या करें, थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, इमेज एडजस्टमेंट, और फिर से हम ह्यू एंड सैचुरेशन में जा रहे हैं, इसकी ब्राइटनेस पहले के कंपैरिजन में बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तीनों ही शेप्स का अरेंजमेंट लिया और हमने यहाँ पे इसे क्या किया, साइज छोटा कर दिया। तो एक प्रॉपर हमें क्यूब शेप नजर आता हुआ दिख रहा है इसका, ठीक। इंटर पुट कर रहे हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं, फिलहाल हमने डायरेक्टली से क्या किया, मर्ज किया हुआ है। C1 के नाम से हमने इसको डिफाइन कर दिया, साइज हमें जो भी देना है वो हम यहाँ पे अपना डिफाइन कर सकते हैं। एक ओरिजिनल हम अपना यहाँ पे क्यूब रख लें, ताकि आगे हम और भी मल्टीपल सिचुएशंस में यूज कर पाए। फिलहाल हमने यहाँ पे कॉपी निकाल दी, मर्ज फाइल की ऑल्ट के साथ, फिर से देखो हमने एक कॉपी यहाँ पे सेट करी। अब हम यहाँ पे एक बिल्कुल आइसोमेट्रिक लुक में एक ट्री डिजाइन कर रहे हैं, तो ये ट्री का ऊपर का पोर्शन और देना है, देन हाइट हम ठीक ठाक अपने ट्री की दे सकते हैं, ठीक। फिर से एक नीचे हमने कॉपी निकाली, साइज हमने इसका उसके कंपैरिजन में छोटा किया, क्योंकि ट्री का बेस बन रहा है हमारा, इतना बेटर है। एंटर पुट करते हैं, ये तीनों ही डिजाइंस ये टॉप पोर्शन हमने एक साथ एक अरेंजमेंट में किया है, इन तीनों को हमने यहाँ पे क्या किया, मर्ज किया, ट्री टॉप के नाम से इसको डिफाइन कर दें। ये लो भाई, ये इसके बेस में आ रहा है,
कुछ ऐसा है किक साइज हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं जितना भी पुट करना है। आ रहा है, एंटर पुट किया और बेस को थोड़ा सा और हैवी करते हैं, एग्जैक्टली मैच करे इसका ध्यान रखना है। ऑर्डर वाइज इसे भी नीचे शिफ्ट किया, तो देखो पूरा जो शेप या पूरा जो प्रॉप है हमारा वो किस में डिजाइन हो रहा है, एक ब्लॉक लेवल पे डिजाइन होता चला जा रहा है ना। ये ट्री का बेस हमने नीचे कर दिया ठीक, और वन अगर देखें तो ये ब्लॉक्स हमारे, इसको भी हमने ओवरऑल किया क्या, पूरा कंप्लीट मर्ज किया, तो एक सिंगल शेप में हमारा ये भी शेप यहाँ पे क्या हो गया, काउंट हो गया। टॉप वाला पोर्शन अलग शेप में हमें दिख रहा है ना, जो नीचे वाला सिंगल शेप है इसी के जस्ट ऊपर हमने देखो एक लेयर ले लिया। हमें इस पे थोड़ी सी इसकी शेडो दिखानी है, तो उस सिचुएशन के लिए हमने क्या किया, इस वाले एरिया का प्रॉपर सिलेक्शन ले लिया, लेयर ब्लैंक वाली ले रखी है अपनी, इस पे इसी का हम थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर ले जो हमें देना है। ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी है ना, और इसकी शिफ्टिंग अब नीचे कर ले नॉर्मल, दे दिया हमने है ना। ये इसी एरिया में देखिए तो क्लिप मास्क कर देते हैं, वो देखो उसी रेंज में हमें नजर आ रहा है। इसकी ओपेसिटी या फ्लो हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं मैनेज, ताकि एक प्रॉपर हमें क्या दिखे, उसकी डेप्थ दिखे। आ रहा है, यहाँ पे हमने लिया और जो भी हमें डेप्थ कलर देना दे सकते हैं। ओवरऑल कलर भी चेंज करना हम ग्रे कॉम्बिनेशन में नहीं रखना चाह रहे हैं ठीक, तो उसके लिए ध्यान से देखना, हमने पहले ही से एक लाइटिंग का अपना एरिया क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये बहुत ही ब्राइट है, हमारा पैच देख रहा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये इसकी लाइट को डिफाइन कर रहा है। कलर चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें नीचे का बेस जो हम चेंज कर रहे हैं, न्यू लेयर लिया, क्लिप मास्क कर दिया, इस पर जो भी हमें अपना कलर देना पुट कर सकते हैं, तो ब्राउन में दे रहे हैं। ऑल्ट बैक स्पेस और इसका मोड हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमें इसका ओपेसिटी लेवल देना है, ओवरले भी कर सकते हैं आप, कुछ ओवरले में हमारा फील आता दिख रहा है ठीक। ऊपर का बेस हमें कलर करना है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर जस्ट एक लेयर ले रहे हैं है ना, और यहाँ पे हम इसको ग्रीन हमने का ट्री के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ग्रीन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। ऑल्ट बैक स्पेस से फिल किया, क्लिप मास्क से इसको क्लिप किया ताकि उतने एरिया में हमें दिखे, और इसका भी मोड हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरले कर पूरी शेडिंग यहाँ पे। और भी इतने डिजाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्या डिज़ाइन ऐड किया जाए, तो यहाँ पे पॉलीगन लासो टूल ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक ये रेशियो लिया, इधर लिया पूरा एक रेशियो, ऐसे ही बिल्कुल आइसोमेट्रिक व्यू में ही अपना एक पैटर्न डिज़ाइन कर रहे हैं। कलर इसका हमने पूरी तरीके से डार्क किया और न्यू लेयर ले लेते हैं जस्ट उसी के ऊपर। ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाया और इसको उठा के इस व्यू पे हमने क्या किया, सेट कर दिया, एंटर पुट किया, क्लिप मास्क करें ताकि वो उसी रेंज के अंदर दिखे। तो हम अपने इन पार्ट्स को काफी डिटेल कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, ओवरले मिक्स होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन अपना कैसा दिखा रहा, वो डार्क थोड़ा सा दिखा रहा है। एक पूरा ट्री का पैटर्न हमारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो रहा, कंप्लीट डिजाइन हो रहा है। कंट्रोल जी करके हमने कहा कि ग्रुप करें, ओवरऑल ट्री हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक एसिमेट्रिक फॉर्म में शो होता हुआ दिख रहा है। इस ग्रुप में आके हम यहाँ पे ओवरऑल अपने ग्रुप को भी साइज को मैनेज कर सकते हैं। तो रूट के साइड में हमें अपने ट्रीज दिखाने, ब्लॉक लुक में दिखाने, तो एक सिचुएशन हमने क्रिएट करके दिखाई कि हम कैसे अपनी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं है ना। किसी भी तरीके का प्रॉप ब्लॉक वाइज बनता चला जाएगा, यहाँ बंद करते हैं इसकी आई से, अला ब्लॉक हमने फिर से लिया, मान लो ये शेप हमारा फिर से एक ब्लॉक का है ना, कॉपी निकाली हमने जस्ट इसी के पीछे और बैक करते हैं इसको, मैच कर जाए, ये लिया हमने शेप, एक और कॉपी निकाली, तो थोड़ा सा चाहे तो ये लो इंटर, एक और कॉपी निकाली, तीनों शेप्स का अरेंजमेंट दिया, पोजीशन सेट करी, इसकी कॉपी निकाल लें ताकि इक्वलिटी दिखे। में दो ब्लॉक्स में ये बना हुआ है, इन दोनों शेप्स का सिलेक्शन लिया, मर्ज किया, इसी की कॉपी निकालते हैं, साइज छोटा करते हैं, थोड़ा सा इंटर प्रेस कर रहे हैं, पोजीशन इसी के जस्ट नीचे रख रहे हैं, लगभग हमने यहाँ पे रख दिया।
कंट्रोल जेड इसकी कॉपी निकालते हैं, साइज हल्का सा हमने इसका भी डाउन किया और इसको भी जस्ट इसी के नीचे हमने क्या किया, पुट किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरे ट्रांसपोर्ट के ये ट्रक शेप्स इजिली में आते हुए दिख रहे हैं, है ना। इनके बीच में डेप्थ दिखे तो जहाँ पे भी ये शेप्स हैं हमारे, ये दिख रहा एरिया है ना, इसी के जस्ट ऊपर लें और ऊपर वाले शेप का सिलेक्शन लेके कलर हम यहाँ पे कैसा देते हैं, फिर से डार्क कलर हमने डार्क पुट किया और पोजीशन इसकी क्या करें, नीचे की तरफ डाउन करें, दिख रहा है। कंट्रोल के साथ नीचे वाली लेयर के साथ हम क्लिप मास्क कर रहे हैं तो उतने एरिया में हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है। यहाँ पे मोड हमने आके क्या किया इसका, मल्टीप्लाई और शेडिंग के लिए फिर से वही सेम कम्बिनेशन, न्यू लेयर लो, उसके जस्ट जो भी कलर देना है वो डायरेक्टली दे सकते हैं। मान लो ब्लू कलर का टोन ले रहे हैं, क्लिप मास्क करते हैं बस उसको, ऑल्ट बैक स्पेस करें, कलर हमारा फिल होता हुआ दिख रहा है, ओवरले करके जो भी मोड अपना चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं। न्यू लेयर जस्ट लेना है, क्लिप मास्क कर देना है, जो भी कलर कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, इसका भी मोड हमने कैसा कर दिया, ओवरले कर दिया। ये पैचेस हमारे अभी अलग अलग हैं, ठीक, ऐसे ये वाले पैचेस भी अलग हैं, इनको भी पहले हम कंट्रोल के साथ सिलेक्शन लेके प्रॉपर क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, सब ये सिंगल लेयर्स में हमारे हो गए। शेडिंग और इन्हेंस कर सकते हैं, यहाँ पे हमने फिर से पॉलीगन लासो टूल ले लिया मान लो, कलर हमने डार्क ले लिया, जहाँ पे भी हमने रेड पैच दिया उसी के जस्ट ऊपर लेके कलर देके ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी पेपर पुट कर सकते हैं। मोड इसका भी यहाँ पे मल्टीप्लाई या ओवरले करके शेड में बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बेटर लग रहा है और इसकी यहाँ पे कॉस्टिंग भी कम कर रहा है। कोई डिज़ाइन अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पे उस सिचुएशन के लिए न्यू लेयर ले रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे डिज़ाइन टायर का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक पैच लिया, ओवरऑल इसको हमने कैसा कर दिया ब्लैक, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर दिया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाया, इसी जस्ट लेयर की हमने यहाँ पे कॉपी निकाल दी कंट्रोल जे करके, हमने यहाँ पे एरिया डाउन किया इसका, कलर जो भी अब देना कंट्रोल के साथ सिलेक्शन बनाया और जो भी कलर देना है यहाँ पे मान ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, दोनों ही लेयर्स को हमने मर्ज किया प्रॉपर और इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे नीचे टायर के लिए यूज़ कर लेंगे। ओपेसिटी की डाउन करके देखो हमने ले लिया, साइज हमने यहाँ पे कम किया इसका, राइट क्लिक, कहाँ पे जा रहे हैं इसको डिस्टॉर्ट ले रहे हैं और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप से पूरा डिज़ाइन यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, इधर भी इस टाइप के टायर शेप्स क्या कर सकते हैं, जस्ट सेट कर सकते हैं, ऐसा लगेगा कि वो यहाँ पे हम उसको किससे डिफाइन कर रहे हैं, उनके टायर्स को किससे डिफाइन कर रहे हैं, है ना। पूरा डिज़ाइन हमारा यहाँ पे ब्लॉक टच में बनता चला जा रहा है। देखो तो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को एक बार ट्राई करना है, कई सिचुएशन में इस टाइप के डिज़ाइनिंग मेथड की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, है ना। ये ग्रिड हम अभी सेंड कर देंगे, है ना, ये लिंक में हम शेयर कर देंगे।